की सिटी कोतवाली क्षेत्र के मनिया लाल माटी में सोमवार की शाम दो पक्षों में बेटियों के लेन देन को लेकर समाज द्वारा बैठाई गई पंचायत में विवाद हो गया। मुहवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली और पथराव भी हुआ। झगड़े के वक्त क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि एक महिला ने शिकायत दर्ज कराने का मन बनाते हुए थाने तक पहुंची, परंतु मामला थाने तक भी पहुंचा, लेकिन समझाइश के बाद महिला थाने की चौखट से वापस लौट गई। इस बीच दोनों पक्ष में इस बात को छिपा गए कि पंचायत किस वजह से हुई और विवाद का क्या कारण था। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी और दिल्ली के दिलसाद गार्डन के रहने वाले दो अलग अलग पक्षों के लोग गाड़ियों में भरकर शिवपुरी शहर के मनिया लाल माटी क्षेत्र में रहने वाले मुन्ना कलंदर के यहाँ पहुँचे थे। मुन्ना कलंदर के घर बेटियों के लेन देन से संबंधित पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में हुए फैसले के बाद दोनों पक्ष आपस में झगड़ पड़े। झगड़े में एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए गए, लाठियां भी एक दूसरे पर भांजी गयी। इस बीच क्षेत्र हड़कंप की स्थिति बनी रही। गुड्डी ने बताया कि हमारे यहां पर सदियों से पंच फैसला चल रहा है। पंचायत में पंच पहले पैसा और सोना चांदी रखते हैं और फिर फैसला करते हैं। इसी के चलते उन्होंने 2 लाख रुपए नगद और आधा किलो सोना चांदी पंच फैसले में रखा था। महिला के अनुसार दिल्ली वाली पार्टी वही पैसा ले गई। हालांकि पंचों के हस्तक्षेप करने पर दोनों पक्ष थाने की चौखट से लौट आई और कोई भी पक्ष कुछ कहने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि पंचायत किस बात को लेकर बैठाई गई थी वह किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन दबी जुबान में बेटियों के लेन देन को लेकर पंचायत होना स्वीकार किया। महिला का आरोप था कि दिल्ली वाले उनके 2 लाख रुपए व सोना चांदी के जेवर ले गए। खास बात यह रही कि मामला थाने की चौखट तक पहुंचा, लेकिन बाद में दोनों पक्ष थाने की चौखट से वापस लौट गए। सिटी कोतवाली पुलिस का कहना है कि हमारे यहाँ किसी भी पक्ष ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। और जी पंच फैसला सुनने भी आए थे लाल माटी पर। जी लाल माटी पर। किसके घर आई थी? मुन्ना कलंदर के घर आए थे। फिर क्या हुआ वहाँ? सर दूसरी पार्टी ने हमें मारे बंदूक नालो। दूसरी पार्टी कौन थी? सलीम दोनों नाम जानते हैं सर। दिलसाल गार्डन के थे। दिल्ली के। बस साहब कोई बात नहीं था, पंच फैसला हो गया था, सब राजी खुशी बैठे थे। उन्होंने तो पता नहीं क्या किस्मत का थी कारण, जिस साहब जब गुंडे हैं दिल्ली के। पंचायत काय की थी? पंचायत थी सर, ये लोगों से हमारी पंचायत थी। तो आप 2 लाख रुपए लेके काय की थी? पंच फैसले में जमा थे। अच्छा जमा थे। पंच फैसले में ये लोग जमा करवाते हैं और पंच फैसला जब करते हैं। पंच का आपस में अपने फैसले कर लेते हैं। अपने फैसले कर लेते हैं, हमारे ऐसे ही होता है बड़े बूढ़ों से बाप दादों से। साहब जिस पंचायत से पहुंचते हैं ऐसी गुंडागर्दी करते हैं जी।